अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमारी कहानी का मौजू है हामद मियाँ और रंग बिरंगे फूल। जल्दी इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक नन्हे मुन्ने बच्चे हामद मियाँ की, जिन्हें फूल बहुत पसंद थे। उनकी कोशिश होती थी कि वो जहाँ भी फूल देखें बस उसे तोड़कर अपने पास रख लें। हामद मियाँ जब शाम को बाग की सैर करने जाती, बहुत सारे फूल तोड़ कर ले आते। माली अंकल ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन हामद मियाँ रंग बिरंगे फूलों को देखकर सब कुछ भूल जाते। एक दिन वो अपने दोस्त अली के घर गए। अली के घर के बाहर एक प्यारी सी क्यारी थी, इसमें बहुत सारे फूल लगे हुए थे। गुलाब का फूल सुर्ख रंग का था, गेंदे का फूल ना रंग का था, और एक तरफ सफेद मोती का पौधा था। बाएं तरफ चमेली के फूल लगे हुए थे, दाएं तरफ गुलबादी के फूल थे। हामद मियाँ ने जल्दी जल्दी अली की अम्मी का दिया हुआ शरबत पिया और अली के साथ क्यारी की तरफ चल पड़ा। अली, मैं थोड़े से फूल तोड़ लूँ? हामद मियाँ ने पूछा। नहीं नहीं, माली अंकल मना करते हैं, मैं बस थोड़े से तोड़ूंगा, हामद मियाँ ने कहा। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी मोतिया गुलाब और गेंदे के फूल तोड़े और उन्हें अपने साथ लाए हुए एक बैग में रखा। शाम को जब अम्मी के साथ वापस घर आए तो बहुत थक गए थे। उन्होंने खाना खाया और सो गए। आधी रात को हामद मियाँ की आँख खुली तो कोई उनके कमरे में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा था। हामद मियाँ डर गए। फिर उन्होंने गौर से सुना तो गुलाब का फूल कह रहा था, दोस्तों ये बच्चा कितना गंदा है ना, हमें तोड़ कर ले आया है, उफ मैं तो मुरझाने लगा हूँ। फिर मोती के फूल की आवाज़ आई, हाय मैं कितना खुश रहा करता था ना अपने पौधे पर, अब तो मैं बस थोड़ा सा ही थोड़ी देर बाद ही गिर जाऊँगा। गुलबादी भी रो रहा था, दोस्तों मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हामद ने मुझे बहुत ज़ोर से तोड़ा है। चमेली भी बहुत उदास थी, वो कह रही थी, उफ मेरा तो सारा रंग ख़राब हो गया। हामद अच्छा बच्चा नहीं है, ये अक्सर फूल तोड़ता रहता है, वो देखो टोकरी में सबसे मुरझाए हुए फूल पड़े हुए हैं। सब फूलों ने झुक कर टोकरी में देखा तो और उदास हो गए। हामिद कितना गंदा बच्चा है ना, चलो हामिद की शिकायत माली अंकल से लगाते हैं, मुझे पता है वो हामिद को ज़रूर सजा देंगे। हाँ हाँ चलो, सब फूलों ने कहा। नहीं नहीं रुक जाओ, प्लीज़ मेरी शिकायत ना लगाओ, हामिद मियाँ ने ज़ोर से कहा। फिर आँखें मलते हुए उठ बैठा। उन्होंने देखा कि फूल खामोश हो गए हैं, वो सब बहुत उदास लग रहे हैं, उनके जर्द चेहरे हो चुके हैं। हामिद मियाँ कुछ देर फूलों को देखता रहा और फिर बोला, मुझे माफ़ कर दो, अब मुझे पता चल गया है कि फूलों को कितना दर्द होता है ना, मैं वादा करता हूँ अब कोई फूल नहीं तोड़ूंगा। प्यारे बच्चों, इस दिन के बाद से हामद मियाँ ने कभी फूल नहीं तोड़े और अब वो बाग के सैर करने जाते हैं तो फूलों को देखकर मुस्कुराते हैं, फूल भी उनको देखकर मुस्कुराते हैं, और सबके सब हामद मियाँ के दोस्त बन गए हैं। जी बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।